हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के संपर्क में। तो दोस्तों, आईएसएल सीजन 9 में खराब परफॉर्मेंस के बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने यह कहा था कि वो आने वाले आईएसएल सीजन 10 के लिए एक स्ट्रांग टीम बनाने को देख रहे हैं और ये खबर मैंने आप सभी को पहले ही दे दिया था। तो दोस्तों, ये भी मैंने आप सभी को बताया था कि हेड कोच कन्फर्म करने से पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट अपना नया सीईओ को कन्फर्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, फाइनली सारे ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फैंस के लिए बहुत बड़ा गुड आ चुका है। तो दोस्तों, फॉर्मर बेंगलुरु एफसी के सीईओ मंदार तहमाने ने ज्वाइन कर लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को। तो दोस्तों, इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने कर दिया है। तो दोस्तों, मंदार तहमाने ने बेंगलुरु एफसी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है और हम देख सकते हैं कि बेंगलुरु एफसी के सक्सेस के पीछे मंदार तहमाने का बहुत बड़ा हाथ था। तो दोस्तों, मंदार तहमाने आईएसएल सीजन 10 के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि मंदार तहमाने एक बहुत ही अच्छी टीम बनाने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, बेंगलुरु एफसी के लिए विदेशी खिलाड़ियों से लेकर भारतीय खिलाड़ियों तक का चयन मंदार तहमाने ही करते थे। तो आने वाले आईएसएल सीजन 10 के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए ट्रांसफर मार्केट में काम करते हुए नजर आएंगे मंदार तहमाने। तो दोस्तों, ये वाकई में सारे ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फैंस के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों, मंदार तहमाने भारतीय खिलाड़ियों को बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं और साथ ही विदेशी खिलाड़ियों को भी काफी अच्छे से नियुक्त करते हैं अपनी टीम में। तो दोस्तों, आप सभी को यह न्यूज सुनकर कैसा लगा, आप अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।